Hello everyone, today we will solve from question number 10 of exercise 5.3 class 10th NCERT math. There are two parts of question number 10 and the first part is so that a1, a2, a3 and so on an form an AP where an defined below. The value of an first part mein de rakhi hai 3 plus 4n. Karna kya hai, humein ek nth term, general term de rakha hai. फिर हमें ये बताना है कि इससे जो सीरीज बनेगी a1, a2, a3 एंड सो ऑन वो AP में है कि नहीं है, है ना, हमें बल्कि AP में शो करना है कि वो AP में है. चलो करते हैं. इन दिस क्वेश्चन द जनरल टर्म ऑफ सीरीज इज गिवन an h इक्वल टू 3 प्लस 4n. इसका मतलब क्या होता है जनरल टर्म का? अगर इस टाइप का कोई टर्म दे रखा हो an इक्वल टू समथिंग, तो n की जगह अगर 1 रख दे फर्स्ट टर्म हो जाएगा. तो a की जगह 1 रखो, n की जगह 1, तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1. तो ये वन टर्म फर्स्ट टर्म निकलाया 3 प्लस 4, तो a1 इक्वल टू कितना आ गया 7. ये a1 की वैल्यू फाइंड हो गई. सेम नाउ वी विल फाइंड द सेकंड टर्म a2. तो समझ में आ गया, n के प्लेस पर क्या पुट कर दें 2. तो a2 इक्वल टू होगा 3 प्लस 4 इंटू n और n की जगह हमें क्या करना है 2. तो a2 इज इक्वल 3 प्लस 4 टू जा 8. तो a2 इक्वल टू आ गया 11. दो टर्म से तो हमें कोई पता नहीं चलता कि AP होगी कि GP होगी, या GP तो आपकी में ही नहीं, मतलब होती है GP. तो हम थर्ड टर्म और निकालेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए. तो A3 इक्वल टू अब क्या होगा 3 प्लस, है ना, n की जगह बन रखा था अब 3 रख देंगे. तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो A3 इज इक्वल 3 प्लस 12 और 3 प्लस 12 कितना हो गया 15. तो ये 3 टर्म निकला. अब सीरीज देखो क्या बनी. ये हमारी सीरीज तो थी a1, a2, a3 एंड सो ऑन. a1 की वैल्यू है 7, तो 7, a2 है 11, a3 की वैल्यू कितनी है 15 एंड सो ऑन. तो देखो ये AP में ना सीरीज निकल रही है. लिखेंगे कैसे, a2 माइनस a1 निकालो. देखो a2 माइनस a1 इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4. थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ मैं. a3 माइनस a2 निकालें, a3 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, दोनों सेम आ रहे हैं 4 4. तो लिख देंगे सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सो a1 a2 एंड सो ऑन an आर इन AP. बस हमें शो करना था कि ये AP में होंगे, तो शो हो गया. शो करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इन दिस पार्ट द जनरल टर्म इज गिवन 9 माइनस 5n. तो सेम फर्स्ट पार्ट की तरह फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 1. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 4, है ना, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट का 4 आ गया. सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, 9 माइनस 5 इंटू n, n की वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं. तो 9 माइनस 10, 9 में से 10 गया तो माइनस 1, तो a2 भी निकलाया. अब एक थर्ड टर्म और निकालेंगे a3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 n, द वैल्यू ऑफ n इज 3, तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे. a3 इज इक्वल 9 माइनस 15, तो a3 कितना हो गया 9 में से 15 गया तो माइनस के 6. तो 3 टर्म मालूम पड़ गए, तो इसको लिख लो a1, a2, a3 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म आया था 4, है ना, जरा ऊपर 4 और वो माइनस 1 और ये माइनस 6. तो लिखते हैं 4, -1, -6 एंड सो ऑन. ये हमें सीरीज मिली. हमें शो करना ये AP में है, तो वही a2 - a1. तो नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि a2 - a1. सेकंड टर्म की वैल्यू कितना है माइनस 1, जरा a2 माइनस a1 कितना है 4, तो ये कितना आ गया इक्वल माइनस 5. नाउ वी विल फाइंड a3 - a2. थर्ड टर्म कितना है माइनस 6 माइनस a2, और a2 इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस 1, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखोगे, तो कितना हो गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1, और 1 में से 6 गया तो माइनस 5 आ गया. देखो ये भी माइनस 5 था, a2 - a1, और a3 - a2 माइनस 5 है, तो लिख देंगे सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, सो a1, a2, a3 एंड an आर
इन एपी, एपी तो बताइए मैंने था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, शॉर्ट में एपी बोलते हैं और आगे हम एपी ही बोलेंगे। ओके मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया अच्छे से। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 एंड द क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था nth टर्म जनरल टर्म, यहाँ sn दे रखा है सम ऑफ एन टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेट इज s1, क्या ये s1 के बराबर होगा? ये s1 के बराबर ही होता है, अभी कल समझाएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि s2 निकालना है, वो फर्स्ट टू टर्म का मतलब s2 है ना, दो टर्म का सम निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म tnth टर्म एंड nth टर्म। चलो करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया शॉर्ट में अपने लिए, यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ये था सम n टर्म का देखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, और ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म भी फाइंड करना है, ए थ्री मतलब थर्ड टर्म फाइंड करना है, ए टू मतलब टेनथ टर्म फाइंड करना है, ए एन मतलब एनथ टर्म फाइंड करना है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको अलग पेपर को समझा देता हूँ। देखो एपी क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये एपी है। 4 में से 2 गेट 2, 6 में से 4 गेट 2, 8 में से 6 गेट 2। अब मैं कहूँ कि फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म का सम तो 2 ही है, यानी कि 1s1 बराबर a1 होता है, जो पहला पार्ट पूछा था क्या a1 s1 के बराबर, तो हो गया। तो देखो a1 की वैल्यू होती है s1 या s1 बराबर a2। अब जरा इन दोनों को ऐड करें हम, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आ गया, देखो 4 प्लस 6 ये कितना आ गया 10। और अगर हमें सेकंड टर्म निकालना हो तो देखो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, इन दोनों, अच्छा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 2 प्लस 6 है, चलो इसको हटा देता हूँ, 4, 6, 8, 10 ये, तो एस वन बराबर ए वन है, 4 टर्म का सम वो एक ही बात है ना, तो यहाँ जाओ तो ए टू सेकेंड टर्म क्या है 6। अगर इन दोनों टर्म में से मैं इसको हटा दूँ तो 6 निकलाएगा, है ना, तो ए टू का फॉर्मूला होता है ये एस टू माइनस एस वन। एक और समझाते हैं, हम इन तीनों टर्म को ऐड करें जरा एस थ्री, तो एस थ्री कितना आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 और 8 18 ही तो हुआ, तो देखो ये 18। हम कहें कि थर्ड टर्म की वैल्यू निकालो, तो थर्ड टर्म क्या होता है, देखो इन क्या होगा, इस सब में से इन दोनों टर्म का सम हटा दे तो ये निकलाएगा, मतलब क्या है ए थ्री इक्वल टू होता है एस थ्री माइनस एस टू। देखो एस थ्री कितना आया था, एस थ्री कहाँ जरा 18 चेक कर लेते हैं, एस थ्री की वैल्यू पुट कर दो 18 माइनस एस टू, एस टू दो टर्म का सम कितना है जरा 10, तो माइनस 10, 18 में से 10 सबट्रैक्ट करना कितना गया 8, तो देखो थर्ड टर्म 8 ही तो था, फर्स्ट 4, 6, 8। तो ये फॉर्मूले हैं, अगर हमें ए वन निकालना है तो ए वन बराबर होता है एस वन, हमें ए टू निकालना है तो ए टू होता है एस टू माइनस एस वन, ए थ्री निकालना हो तो एस थ्री माइनस एट एस टू, सीधी बात जो टर्म निकालना है उतने टर्म के सम में से उसके प्रीवियस टर्म तक का सम को सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि अगर हमें ए एन निकालना है तो क्या होगा एस एन माइनस एस एक कम, यानी कि एस एन माइनस वन। ये सारे के सारे फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं, और ये मैंने आपको समझा भी दिया कैसे होता है ना। अब सवाल करते हैं, अब मजा आएगा करने में। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए वन, तो एस एन दे रखा है तो समझ में आ गया, तो हम एन की जगह बना गया, तो 4 × 1 माइनस वन का स्क्वायर 4 − 1 = 3। तो पहले टर्म का सम 3 है, तो पहले टर्म का सम या पहला टर्म एक ही बात है, तो ए वन निकलाया फर्स्ट टर्म, तो ए वन इक्वल टू 3, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, लिख सकते हैं लिखना चाहो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। फिर पूछा है एस टू कि फाइंड द फर्स्ट टू सम, तो एन की जगह 2 लगा दें एस टू निकलाएगा, तो नाउ वी विल फाइंड एस टू, तो एस टू कितना हुआ, एस टू इज इक्वल टू 4 × n एंड द वैल्यू ऑफ n इज 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 × 2 कितना हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 8 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 4, तो सेकंड टर्म निकलाया ये, सेकंड टर्म नहीं सॉरी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एस टू निकलाया। इसके बाद कह रहा है ए टू निकालो, सेकंड टर्म की वैल्यू अभी बताया था, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी हो उतने टर्म के सम में से उससे पहले वाले टर्म का सम माइनस कर दो, यानी कि एस टू माइनस एस वन फॉर्मूला है। एस टू, एस टू की वैल्यू हमने निकाली 4, और एस वन कितना है, एस वन है 3, तो 4 में से 3 गया कितना आ गया 1, तो ये निकलाया ए टू। हमें ए टू भी मालूम है, हमें ए वन भी मालूम है ना, तो हम डी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं इसके बाद सवाल करने के, हमें जैसे ए थ्री निकालना है तो वही एस थ्री माइनस एस टू कर लो, ए टेन निकालना है तो एस टेन माइनस क्या करेंगे एस नाइन, है ना,
और an निकलना है तो sn - s n - 1, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरे तरीके से कर दूँ। कैसे? देखो a2 मालूम है तो हम d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1, तो कॉमन डिफरेंस इज a2, a2 की वैल्यू 1 - a1, और a1 कितना है भाई तेरा 3, तो 1 - 3, और 1 में से 3 गया कितना आ गया -2, तो d मालूम पड़ गया। जब d मालूम हो तो हम फटाफट a3 निकाल सकते हैं। a3 क्या होगा, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दे, a2 + d, या a+2d ऐसे भी निकाल सकते हो। a2 की वैल्यू कितनी थी, a2 की वैल्यू अभी निकाली है 1, प्लस d की वैल्यू कितनी है -2, तो 1 - 2 - 1, ये वैल्यू हो गई a3, a3 इज इक्वल टू -1। ओके, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया। उसके बाद निकालना है a10, तो आपको अब समझ में आ गया a10 क्या होगा, a+9d, a+9d। अब यहाँ a9 तो पता नहीं, तो हम a9+d भी लिख सकते, तो a तो मालूम है, a की वैल्यू हमने निकाली थी, a का मतलब a1 वो 3 है ना, मैं आपको ऊपर देख लूँगा, पहले देखिए a बराबर 3 +9 × d, और d की वैल्यू है -2, तो कितना हो गया 3 - 18, 3 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा -15, तो ये 10th term की वैल्यू निकलाई, तो a 10th हो गया -15। अब हमें क्या निकालना है, a n, तो a n निकालना है, a n आप निकाल लोगे, आप कैसे निकलेगा फॉर्मूला जानते हैं हम, है ना। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एस एन वाले फॉर्मूले की, क्योंकि हमने d निकाल लिया, तो a n और जनरल फॉर्मूला का तो क्या होता है a+n - 1 × d इज इक्वल a, और a की वैल्यू थी 1 + n की जगह तो n रहेगा n - 1, और d की वैल्यू हमने निकाली थी -2, 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -2n - -+2, तो 2 और 1 3 - 2n, तो ये हो गई a n की वैल्यू। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, एक दो चीज़ पूछेगा, है ना, इसमें तो काफ़ी चीज़ पूछ ली है, काफ़ी चीज़ें वो आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया 5 - 3, कितना हुआ ये an निकला है। ओके, एन टर्म क्लियर, ठीक है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक चेक करता हूँ राइट। ओके, इसमें थोड़ा ये मिस्टेक है, a+n - 1 × d, और a1 तो 3 है, है ना, मैंने a2 लगा दिया, तो a की जगह फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो 3 आएगा, है ना, इसे थोड़ा सही कर लो, a3 और 3 और 2 5, तो बस इतना एक करेक्शन करना, 5 - 2n, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एंड क्वेश्चन 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सवाल का मतलब के पहले समझो, हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स लिखने हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, जो 6 से डिविजिबल हो, तो 6 की टेबल लिख दो। तो पहला नंबर क्या होगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, और लास्ट टर्म कितना होगा 40 × 6 = 240, और नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, नंबर देखे हैं 40, तो सब निकालना है sn = n/2 a+n। नहीं आई समझ में, अभी समझाते हैं, चलो करते हैं, है ना, तो ये गया, तुम लिख दिया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर फॉलोइंग 6, 12, 6 से बड़ा 18, 24 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यही ये सीरीज बन गई, और n दे रखा है कितने डिविजिबल नंबर चाहिए 40, तो इसमें a6 है, d6 है, n 40, फॉर्मूला कहता है sn = n/2 2a + n - 1 × d। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ शॉर्ट वाले, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, 40 डिविजिबल चाहिए फर्स्ट, तो 40th टर्म कितना होगा, 4 6 से डिविजिबल है, 6 × 40 कर दूंगे, बात समझ में आ रही है, तो 240 तो होगा, तो लास्ट टर्म जो होगा 240 होगा, और ये n कितने है इसमें, n है 40, तो इसमें देखो a बराबर कितना हो गया 6, d बराबर क्या 6 से डिविजिबल है तो 6 ही आएगा, वैसे भी चेक कर लो a2 - a1, 12 में से 6 गया 6, कितने टर्म का सम निकालना था 40 टर्म का, और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 240, जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसमें d की क्या जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने निकाल के दिखा दिया है। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इससे निकल रहा हूँ। sn पूछा है, sn होता है n/2, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो ऐसे इससे निकालते हैं, तो चलो s40 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 40
40/2 एंड तो 40 है, ए ए की वैल्यू है 6 प्लस ये दे रखी है 242 से ये 20 बार कैंसिल 20 आ गया, 20 × 240 और 6 246 मल्टीपल कर दो 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 4, 4920. तो 4920 इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6. क्लियर ना? दूसरा तरीका समझ में आ गया ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए, तो उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी सीरीज लिखोगे, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, फॉर्मूला दूसरा का फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगाया उसमें वही वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का है, डिविजिबल वाला है. चलो करते हैं. नाउ क्वेश्चन 13 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. सेम पहले की तरह है, मैंने लिख लिया है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर, वही 8 की टेबल लिख दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन, और 15 8 जा 120. तो लास्ट टर्म ये होगा. तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 8, जिससे मल्टीपल डिविजिबल हो वही उतना ही होता है. डी की वैल्यू कितनी है 8, चेक भी कर सकते हो, 16 में से 8 गया तो 8. और लास्ट टर्म कितना दे रखा है मैं, हालांकि इसमें डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ऊपर का था लास्ट टर्म 120 और एन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने मल्टीपल निकालने हैं 15, तो यानी कि एन बराबर 15, तो हमें एस 15 निकालना है. कितना होता है एन बाई टू यानी कि 15/2 और ए प्लस एल, ए प्लस 120, घंटी बज रही है पूजा दोपहर में कौन कर रहा है भाई, 128, सब काम पढ़ाते हैं जब भी होते हैं, 2 से 26 जा 24 या 64 मल्टीपल कर दो और ये आंसर आ जाएगा, 15/4 जा 60 कैरी 6, 15/6 जा 90 96, 916. तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 विल बी 960. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13. और इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, चलो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. एंड द क्वेश्चन 14 इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 51. 0 और 51 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब का सम निकालना है ना. तो मैंने लिख लिया ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 आर फॉलोइंग, कौन कौन से हैं वो 1, 3, 5 एंड सो ऑन. लास्ट क्या होगा 49 का तो वो नहीं. तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितना है, ए की वैल्यू 1 है, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 3 में से 1 गया 2 या 5 में से 3 गया 2 है ना, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2. और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, ए लास्ट टर्म है 49. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इससे हम डी तो दे रखा है एन निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू 49, ए इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2. तो ये हो गया 49, 1 को दल जाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2. 49 में से 1 गया तो कितना अच्छा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1, 2 से ये 24 बार कैंसिल तो 24 इज इक्वल एन माइनस 1 है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज 24+1 और 24+1 यानी कि 25. तो नंबर ऑफ टर्म दिस सीरीज विच इज डिविजिबल बाई 1 बिटवीन 0 to 50 इज 25. इन सब का सम निकालना है, तो लगा दो हमारे पास फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल, एन इज 25 तो 25 अपॉन 2, ए फर्स्ट टर्म इज गिविन 1 एंड लास्ट टर्म इज गिविन 49, 625 आ गया, 25 अपॉन 2, 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, 2 से ये 25 बार कैंसिल और 25 इंटू 25 कितने होते हैं 625. तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50 विल बी 625. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे को एक चल गया भजन चल रहे हैं डिस्टर्ब होगा. चलो प्रभु का नाम लेते लेते लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, भोलेनाथ जी का भजन सुनो आप भी साथ में.
क्वेश्चन ये है, बड़ा लंबा छोड़ा है, समझा देता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, सवाल ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन वाले का, है ना, अगर वो डिले होता है तो डिले के हिसाब से उसको पेनल्टी देनी है। फर्स्ट डे 200 रुपीज़, दो डे डिले होता है तो 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। तो सेकेंड डे अगर डिले होता है, सेकेंड डे उसको 250 पेनल्टीज देनी है, थर्ड डे 300 देना है, फोर्थ डे 350, सिक्स डे 400 एंड सो ऑन, ऐसे देना है। और वो कॉन्ट्रैक्टर तो जो था उसको वर्क डिले हुआ 30 डेज, तो हमें ये बताना है उसने कुल कितनी पेनल्टी दी। ठीक है, भोलेनाथ जी के भजन सुनो। और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैंने लिख दिया इसमें, मनी पेड बाई कॉन्ट्रैक्टर एज पेनल्टी इन 30 डेज, 30 दिन में उसने जो पेनल्टी दी वो फॉलोइंग है, फर्स्ट डे की 200, 250, थर्ड डे की 300, अप टू 30 डेज। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, शायद सब निकालना है इसका 30 का। तो देखो ए कितना दे रखा है हमें, 200 फर्स्ट टर्म होता है, डी लिख दूँ डायरेक्ट, ए टू माइनस ए वन, 250 में से 200 गया तो कितना 50, और कितने दिन की पेनल्टी है 30 डेज, तो एन इक्वल टू 30। तो ऐसा निकाल लो, इन सबको सम कर लो, वही तो पेनल्टी देनी उसे। तो एस एन इज इक्वल एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 1 मंथ में वो पेनल्टी कितनी देगा, या 30 डेज में कितनी पेनल्टी देगा, तो 30 बाई 2, एन की जगह 30 लगा दिया, 2 इंटू फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी थी 200, ए की वैल्यू 200 है, तो 200 प्लस एन है 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 50। 2 से 30 15 बार कैंसिल है ना, 2 से कट गया ना, 2 बन जा, 2 से 15 लिख दिया, 2 इंटू 200 कितना हो गया 400 प्लस 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर, 30 माइनस 1 29 इंटू 50, तो 15 इंटू 400 प्लस 0, 5 का मल्टीपल कर लो भैया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4, तो ये आ गया 15 इंटू 1850। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है इतने रुपए पेनल्टी देगा, 15 का टेबल तो हम जानते हैं, तो मल्टीपल कर सकते हैं आराम से, 1500, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 जा 120 और 7 127, 15 बन जा 15 और 12 27, कितने हुई 27,750 रुपीज़। तो कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपीज़ एज ए पेनल्टी, जिसका भी काम कर रहा है उसको देने होगी। क्लियर ना, समझ में आ गया, माइक तो शांत हो गया है। क्वेश्चन इसमें है 16, 17, 18, 19, 25 क्वेश्चन लगे हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।